मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसा होगा, कैसा रहेगा। आज तक मैंने कोई एमसीक्यू एग्जाम नहीं दिया है, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। ये देखो, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आज पढ़े हैं। और ये है मेरा एडमिट कार्ड। मेरे को बहुत डर लग रहा है। बाय। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 14 मई एंड कल है मेरा सीयूईटी का एग्जाम। आपको जैसे कि पता होगा, मेरी अभी अभी 12th खत्म हुई है एंड कॉलेज जाने के लिए मुझे सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा एंड अभी मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। कल मेरा जनरल टेस्ट है और लैंग्वेज का टेस्ट है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन है। और मैं कुछ दिनों से जनरल टेस्ट ही कर रही थी, इंग्लिश मैंने अभी स्टार्ट किया है। आधा दिन इंग्लिश पढ़ूंगी, आधा दिन जनरल पढ़ूंगी एंड आई होप कल मेरा एग्जाम हो जाए सही से। बच्चे महीनों महीनों से इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं और एक मैं हूँ एग्जाम के पिछले दिन देख रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। अभी मैं अपनी किताब में सिलेबस लिख रही हूँ, मतलब जो जो भी चीजें मुझे भी पढ़नी है वो सभी ऐसे लिख रही हूँ और जो जो होती जाएगी उसको ऐसे कट करती जाऊंगी। कुछ घंटों के अंदर मुझे ये काम कंप्लीट करना है। सीयूईटी क्यों एग्जिस्ट करता है? मैं वो कुछ घंटों तक अपडेट करती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा एंड मैं आपको कल भी बता दूंगी एग्जाम के बाद कि मेरा एग्जाम एक्चुअली कैसा हुआ और कितनी प्रिपरेशन से कितना एग्जाम हो सकता है। कितने इजीली बोल रही है, सीयूईटी का पेपर तो आता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन है ना। और अभी ये देख लो, ऐसे में सिलेबस बना रही हूँ यहाँ पे। हाय गाइस, तो अभी हो गए उस टाइम से कोई शायद 1.5 घंटा या 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा। और ये मैंने इतनी सारी चीज जो लिखी थी उनमें से मैंने 10 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आगे अभी ये सारे पढ़ने हैं। बीच बीच में एग्जॉस्ट हो जाती हूँ काफी ज्यादा, तो मैं ऐसा 1-2 मिनट की ब्रेक ले लेती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, पता नहीं क्या करती हूँ, गड़ाई लेती हूँ। अब मैं 4-5 टॉपिक और पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, मैंने वापस से ले लिए थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ऐसा पढ़ा नहीं जाता। होता ना कुछ पॉइंट पर 2-3 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ो तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, दिमाग में नहीं पड़ रही होती, तो मेरे साथ वही चीज़ हो रही थी। तो इसलिए अभी मैंने 15 मिनट की ब्रेक ले ली है एंड गेस करो मैं अपनी ब्रेक में क्या कर रही हूँ। टडा, मैं अपना खुद का ही ब्लॉग देख रही हूँ। मेरे को वैसे अपने ब्लॉग्स खुद के अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एडिटिंग के टाइम इतनी बार देखो फिर अच्छे नहीं लगते, देखने का मन नहीं करता। बट अब मैं अपना ब्लॉग देख रही हूँ बैठ के ब्रेक के टाइम और मैं इतनी ज्यादा रिफ्रेश हो रही हूँ, मुझे इतना सा मजा आ रहा है। बिस्तरे में डाल दिए 2 हॉट बॉटल्स और अब आपकी बहन का प्लान है कि मैं बैठूंगी बिस्तरे में और करूंगी स्केचिंग। तो हाँ, थैंक यू टू माई सेल्फ। मुझे आज ऐसे पता चल रहा है कि मेरी ऑडियंस को मेरे ब्लॉग देख के कैसा लगता होगा, मुझे आज वैसा लग रहा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी शायद मैं खाना खाऊंगी फिर वापस से पढ़ने बैठूंगी। बाय गाइस, आपको व्लॉग का एक पार्ट दिखाती हूँ, रुको। गाइस, ये एक बैग में अपने साथ लाई हूँ, गेस करो इसमें क्या है। करो 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 करो, गेस करो। और ये अभी भी मेरी गोदी में बैठा हुआ है, इसके बगैर मेरे को चैन ही नहीं आता। पता, मैं बैठ के पढ़ रही हूँ या फिर मैं बैठ के कुछ फोन में देख रही हूँ या फिर मैं सो रही हूँ या फिर जो भी, मतलब ये हमेशा मेरे साथ रहता है और मैं इसको, और ये इतना कंफर्टेबल सा है तो मैं इसको हमेशा हगी करके रखती हूँ। तो यस, ये है मेरा बच्चा। इट्स यू, तो गाइस मेरी ब्रेक थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई, मैंने थोड़ा डांस शांस कर लिया, अपनी वीडियोस भी काफी सारी देख ली, मतलब 3 व्लॉग देख लिए मैंने अपने पूरे, तो आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया। और अब मेरा खाना आ चुका है, अब मैं खाने लगी हूँ खाना एंड खाने के बाद मैं पक्का पढ़ने बैठ रही हूँ। हाय गाइस, अभी मैंने इतना और पढ़ लिया है, शाम के 6 बज गए हैं अभी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3-4 बजे तक मैं कर लूंगी पूरा, तो अभी भी और कुछ घंटे लगेंगे मुझे करने में एंड मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ और मुझे अब पढ़ा भी नहीं जा रहा है एंड आई डोंट नो मैं कैसे कंप्लीट करूंगी ये पूरा सब, बट यस करना पड़ेगा। ठीक है, बाय। तो
गाइज यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, घुस जा अपने मुंह में। तो गाइज अभी मैं आई हूँ ये फोटो स्टेट वगैरह वाली दुकान पे, एंड सिस्टम ही हो गया। कल मेरे एग्जाम है, मुझे पता ही नहीं था कि आधार कार्ड चाहिए होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि हमेशा तो नंबर स्लिप चाहिए होती है, तो मेरे को पता नहीं था आधार कार्ड चाहिए होता है। तो अभी मैं ये आधार कार्ड का फोटो लेकर आई हूँ, तो अभी फोन नंबर वगैरह से करके नया आधार कार्ड निकलवा रहे, और ये मेरा तीसरा आधार कार्ड है लाइफ का, पहले एक निकाल चुके भूल क्योंकि वो गुम गया था। कोई गाली नहीं देगा मेरे को। तो हाय गाइज, मैं आ गई थी घर और अब मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब क्या मतलब काफ़ी देर से पढ़ ही रही हूँ, एंड बेइज्जती पड़ी मुझे काफ़ी सारी राजनीति से कि मैं आधार कार्ड छोड़ के आ गई बाय मिस्टेक। मतलब मिस्टेक भी नहीं थी वो, ऐसे मतलब मैं भूल गई समहाउ, ठीक है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि आधार कार्ड चाहिए होता है एग्जाम्स के लिए, एंड हो सकता है कि कल मेरा एग्जाम ही ना हो, मेरा साल वेस्ट हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा श्री राम, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं बोल रही थी कि आगे मेरी फॉर यू भैया, तरस तरसती हूँ सारिया। हाँ वाला डांस मुझे याद आता, पर एनीवेज ये है मेरे टेबल जिसकी हुई है बुरी हालत, तुम वहाँ पे बैठ जाओ। थोड़े कंफर्ट के लिए चेयर पे चादर डाल दिए, एंड यस टॉपिक्स मेरे पहुँचे हैं यहाँ कहीं तक पहुँचे हैं, एंड अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरे को पेपर भी सॉल्व करना है अभी एक। तो हाँ बाय। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के एक, एग्जैक्ट एक बज रहे हैं, एंड मेरे फाइनली सारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए इंग्लिश के अब जाके, और मेरा सिर दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही हैं क्योंकि मैं इतनी देर से स्क्रीन देख रही हूँ, शायद इसलिए हो रही है। एंड ये देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आज पढ़े हैं ये सब, और बस ये एक लास्ट रहता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये तो ये एक दो सॉल्व करूंगी तो वो हो जाएगा, ईजी है ये तो। गाइज देख लो ये लड़की सुबह से यहाँ बैठी है, बहुत मेहनत कर रही है गाइज। कितनी बड़ी बात है, इतना मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा गाइस, फॉर रियल। कितनी बड़ी बात है। ये क्या क्यूट हुआ रे राय दीदी, मैं क्यूट हूं, मुझे बनने की जरूरत नहीं। तो बताओ आपका क्या कहना है, वसु ने कितनी मेहनत की आज? आज वसु ने बहुत मेहनत, कल पेपर है। यही मेहनत अगर वसु ने महीना की होती तो अभी मैं सोच रही होती कि बस डन ही डन है, हो जाएगा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो 6 घंटे की स्लीप के बाद मैं जाग चुकी हूँ, अभी हो रहे हैं 6:30, एंड मुझे निकलना है घर से 11:30-11:30 के अराउंड, एंड अब मैं फ्रेश वगैरह होके थोड़ा पढ़ने बैठूंगी, एंड रात को मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आधे से ज़्यादा रह गया, मुझसे इनकम्प्लीट छूट गया। तो यस हाई गाइज, मैं आ गई हूँ नहाकर, एंड दिस इज माई आउटफिट फॉर माई एग्जाम, नीचे जीन्स जॉगर्स एंड ये जो बोलते हैं इसको टी शर्ट, एंड आई थिंक आई लुक रियली एस्थेटिक। मतलब मैंने तैयार होने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, सामने पड़ा था मैंने ये दोनों चीजें पहन ली, एंड ये अच्छे लग रहे हैं साथ में, तो हाँ अब जज नहीं करना वो कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम है और ये तैयार होके जा रही है। अब मैं खाना वगैरह खा के थोड़ा पढ़ने बैठूंगी, और ये है मेरा एडमिट कार्ड, इसको साथ लेके जाना है हमने। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ पूरी, अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा, एक वीडियो देखी, एंड अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। वहाँ पे शूज अलाउड नहीं होते एग्जाम में, इसलिए चप्पल पहन के जा रही हूँ। गाइज फर्स्ट टाइम गिविंग CVT एग्जाम एक्सपीरियंस। ये देखो जी मैडम जी जो है अंगड़ाई ले रही है और सो रही है उस वक्त के सुबह के, पढ़ रही। हाँ पढ़ रही हूँ, चार बार से जो उठा चुकी हूँ मैं। दीदी कितना झूठ बोलते यार, मेरी ऑडियंस को झूठ मत बोलो यार। देख एक बार गलती से आंख लग गई थी, वो इन्होंने जगाया, तब से आज पेपर है और आज तेरी गलती से आंख लग गई थी। गाइस ये देखो पढ़ रही हूं, ऑनलाइन पढ़ते हैं ये लोग, ये देखो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मैं उड़ चला, मैं खो गया। राजेंद्र मेरी बाजू पे सनस्क्रीन लगाई, मैं वो सुखा रही हूं, लिक्विड थी काफी। मैं उड़ चला, मैं बहुत परेशान हो गई हूं इस लड़की से, अपने सारे काम छोड़ के मैं इसके साथ इतने दिनों से लगी हुई हूँ, लेकिन ये लड़की अगतर एग्जाम अच्छा ना हुआ। धूमता धूमता ना धूमता 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 ना तेरे नाल तीन तरह धूमता तू तेरे नाल तीन तरह कर। चलो चलो बस बढ़ा। तो गाइज विश मिलक इन द कमेंट सेक्शन, इससे पहले मैं एग्जाम देके आ जाऊं विश मिलक, ठीक है जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। तो राजी दीदी मेरे टैटू कंसीलर से छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों बोलते कि वहाँ पे अगर वो कुछ बोलने लगे एंट्री ना दें कि लिखा हुआ मैंने थैंक यू और 11:11। वाह यार मेकअप में कुछ बात तो है ना, कुछ नहीं सारा नहीं छुपाया। तो गाइस कुछ चीजें जो चाहिए थी, एडमिट कार्ड आधार कार्ड फोटोज पेन और वाटर बॉटल, बस ये सब चीजें लेके जा रही हूँ मैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
पेपर देने जा रही है कि पिकनिक मनाने जा रही है। पहली बार देखा पता है आशाएं। गाइस मैं जा रही हूँ पेपर देने, ये सब सामान लेके, तो बाय बाय। मेरे को बहुत डर लग रहा है, बाय। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम हॉल में अंदर हुआ क्या। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट करके जा रही थी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, पहली बार कंप्यूटर पे एग्जाम दूंगी, काफी एक्साइटमेंट के साथ गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंदर में जैसे ही गई वहाँ पे डेस्क लगे हुए थे एंड कुछ कंप्यूटर वगैरह नहीं था, हमको OMR शीट मिली, क्वेश्चन पेपर मिला, और OMR शीट पे ऐसे से मार्क करना होता है, वो भी मैंने पहली बार ही किया लाइफ में। और सबसे पहले हुआ इंग्लिश का एग्जाम जो कि मेरा था 45 मिनट्स का, और जैसे ही मैंने पहला वाला कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया, उसके आंसर्स किए 6 मार्क्स के, 40 मार्क्स का एग्जाम था, देखा 20 मिनट हो गए एंड मैं इतना पैनिक हो गई कि ये क्या आधा टाइम हो गया एंड मैंने सिर्फ 6 मार्क्स का किया। फिर मैंने कॉम्प्रिहेंशन छोड़े, बाकी सारे क्वेश्चन मार्क किए जल्दी जल्दी एंड किसी तरह मैंने टाइम अप होने तक 30 मार्क्स का एग्जाम कर लिया था, 40 में से 30, ठीक है। उसमें मेरे को और था कि यार 10 मार्क्स का रह गया ये वो, बट फिर नेक्स्ट एग्जाम मेरा होता है जनरल टेस्ट का एंड उसमें लाइक हो ही नहीं पा रहा था, वो 1 घंटे का था एंड उसमें टाइम ऐसे भाग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। आगे घड़ी लगी है, मैं घड़ी देख रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 मिनट ऐसे ही होके कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ एंड आता मेरे को सारा था, मतलब अगर मेरे को टाइम मिले वो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ आराम से, बट टाइम ऐसे भाग रहा था कि लाइक मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी एंड जितने मैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ के गई थी, बहुत सारा है, कोई 100 पढ़ के गई थी, उनमें से सिर्फ एक आया था, सिर्फ एक, एंड वो मेरे को एक याद था तो फिर मैंने वो कर दिया मार्क और बाकी जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। बाकी मैथ वाले में तो टाइम लग ही रहा था, बाकी जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे वो पूरे हुए एंड कुल मिला के मेरा सिर्फ 19 मार्क्स का एग्जाम हुआ है जनरल टेस्ट का, 50 में से 19। अब देखते हैं अगर जनरल टेस्ट और इंग्लिश का मिला के मेरे पासिंग मार्क्स बन जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर जो किस्मत में हुआ होना तो वही है ना। तो चलो ठीक है, अब बाकी का व्लॉग एंजॉय करो, बाय। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, अभी कोचिंग में है, डिस्प्रेशन में है सर। गाइस मैं आ गई हूँ पेपर देके, 2 पेपर थे, पहले इंग्लिश का हुआ फिर जनरल का हुआ। इंग्लिश के मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 40 में से, और जनरल के मैंने सिर्फ और सिर्फ 19 किए 50 में से। एंड मैं काफी डिस्प्रेशन में चली गई थी, बाहर आते थे मैं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हो गई थी, पर राजदी ने मुझे बोला वो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तेरे इंग्लिश का पूरा ठीक है, ये है वो है, तो हो जाएगा ना। तो फिर मैं अभी थोड़ी सी शांत हूँ, वरना मैं अभी फिर ऐसे रो रही होती। चल भाई एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं, खाते हैं कुछ। गाइज ये देखो, ये एकदम कितना एस्थेटिक सा है ना, ये देखो कितना प्यारा है ये, VASU। नहीं खाऊंगी, लगा गुंडे आ जाएंगे अब यहाँ पे, गुंडे आ जाएंगे गाइस, चलो जल्दी चलते हैं। तो मैंने सोचा कि सब इतनी होप्स रखते हैं मेरे से, दाई जी 3 घंटे से बाहर वेट कर रहे हैं और मैं पेपर इतना ज़्यादा ख़राब कर गई, वहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे मन करता यहीं पे रख के बाहर चल जाओ, फिर मैं चैस तो हो नहीं सकता, साल वेस्ट हो जाएगा अगर यही किया मैंने तो। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करती कि किसी तरह बस एक एक मार्क्स किसी तरह बन जाए, एक मार्क्स और किसी तरह बन जाए, एक मार्क्स और, पर एट द एंड सिर्फ 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई मैं, जिसमें से 5-6 गलत होंगे। अब इंग्लिश मैंने बहुत अच्छे से किया, राज दीदी ने चेक किया, बोलते इंग्लिश मैंने पूरा का पूरा हर क्वेश्चन सही किया उसका, जितने भी किए 30 के 30 सही है। अब जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ, जो भगवान जी को मर्जी हुई। गाइज ये देखो यहाँ पे ऐसे पानी बना है कि वहाँ से जो एग्जाम देकर आया उसका एग्जाम बहुत बुरा हुआ, तो वहाँ पे यहाँ पे ये चिल्लू भर पानी में डूब भरे, ये तमीज है तेरी, मतलब बंदा थका हुआ है इतनी देर से वेट कर रहा है तुझे ये बनाना है। तो यार व्लॉग इम्पोर्टेंट होता है ना, और गाइज यहाँ पे व्यू चेक करो गाइज कितनी बेस्ती खाती हुई आपके लिए, आप तो सब्सक्राइब कर दो। गाइस हम आए हैं खाना खजाना, अब भी खाना खजाना है, मेरे मुंह पर नेहरा ही हो गया था चल बात कर बात भी खाना खाने। गाइस मेरी आंखें दर्द हो रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड बहुत पड़ा है मैंने। गाइस ये देखो बाल्टी में आई है दाल हमारी राजमा, और यहाँ पे पनीर राइस एंड इतना कुछ ऑर्डर किया हमने, फुल्का, इतना ज़्यादा यम्मी खाना, यस चलो खाते। गाइस इतने एग्जॉस्टिंग दिन के बाद इतना अच्छा खाना अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो गाइज हम आ चुके हैं घर, मेरा आज का CUT का पेपर हो गया डन, इसमें पढ़े मेरे क्वेश्चन पेपर। गाइज ये है मेरा इंग्लिश का पेपर और ये है मेरा GT जनरल टेस्ट का पेपर, तो कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे ये CUT एग्जाम। तो आई एम ऑन द एज राइट नाउ, मैं फेल भी हो सकती हूँ, पास भी हो सकती हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है।
ओके बाय, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आप CUET के एग्जाम दे रहे हो या अगले साल देने वाले हो तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी इस ब्लॉग में। तो मैं अभी नहा के आई और मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ और मेरे को सिर दर्द भी हो रहा है, तो मैं सो जाऊंगी। तो जब मेरा CUET का रिजल्ट आएगा मैं आपको पक्का बताऊंगी, ठीक है? और ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू, चुप यार, बाय। कसम से गालियां पड़ेंगी नहीं, और फ्लैटरिंग से एंगल निकाल यहां से।